सागर के चंपा बाग मंदिर की शाही बारात में हजारों की संख्या में शिव भक्त हुए शामिल। जमकर हुई आतिशबाजी, भक्त भोलेनाथ के गानों पर जमकर झूमते आए नजर। दमोह जिले के पटियागढ़ में स्थित नदी किनारे ऐतिहासिक मराठा कालीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर भक्तों की पूजन अर्चन के लिए लगी भीड़। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँचे, मेले का भी हुआ आयोजन। प्राचीन कालीन एक शिव मंदिर है जो मराठों ने बनवाया था। सागर के दिव्यांशु गुप्ता ने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में AIR 4 प्राप्त कर मेधा सूची में बनाई अपनी जगह। सागर जिले के खुरई महाशिवरात्रि पर प्रदेश की सबसे बड़ी शिव शाही बारात निकाली गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी हुए शामिल। सागर जिले की खुरई में नगर विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में 1 करोड़ की लागत से हुए सौंदर्यकरण कार्य का किया लोकार्पण। उज्जैन के महाकाल मंदिर के विकास का पूरा श्रेय बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार को दिया। जो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, उसके विस्तार और सौंदर्यीकरण के लेके योजना बनाई थी। 7 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में उसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें उज्जैन के तमाम जनप्रतिनिधि, मंदिर समिति से जुड़े सभी लोगों को बुलाया था, उनसे सुझाव मांगे थे और 300 करोड़ का बजट भी उन्होंने आवंटित किया था। उसके बाद उन्होंने 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। वो मंत्रियों की समितियों ने उज्जैन का दौरा भी किया, महाकाल मंदिर का दौरा किया, लोगों से सुझाव मांगे। उसके बाद प्रारंभिक तौर पर काम भी प्रारंभ हो गए, फिर कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। उज्जैन में एक महिला पत्रकार के साथ हुई अभद्रता की घटना को सीएम शिवराज ने बताया सामान्य, जिसके बाद लोगों का फूटा गुस्सा। इतना ही नहीं, बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं सागर के ग्राम रामपुरा में शिवरात्रि के पावन पर्व पर शंकर भगवान का हुआ अभिषेक। निकाली गई भोले बाबा की बारात पार्वती मंदिर पहुंचकर हर्षोल्लास के साथ भोले और माता पार्वती का रचाया गया विवाह। सागर जिले के जैसीनगर में धूमधाम से निकाली गई भोले बाबा की बारात। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत हुए शामिल। हिमाचल टोरिया पर बनेगा माता रानी का भव्य मंदिर, हीरा सिंह राजपूत ने की। भगवान शिव का मंदिर भव्य बन रहा है, हमारा सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारा तो एक नाम मात्र है उसमें। और हमारा ये आज मन में भाव आए कि शैल कुमारी हिमांचल जी की पुत्री है माँ पार्वती, जो वास्तव में एक महाराजा की पुत्री थी। हमारे भगवान शिव का तो मंदिर बन रहा है, उसके बनने के बाद जैसे प्राण प्रतिष्ठा उसमें होती है, उसके बाद हम सब लोग मिलकर हमारी माँ पार्वती का भव्य मंदिर बनवाएंगे, ऐसी बिना घोषणा। बागेश्वर धाम का कार्यक्रम जैसीनगर में फाइनल हो गया। देखिए चारों तरफ ये बात बिल्कुल आपको मानना पड़ेगी कि जिस दिन से केंद्र की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आप देखिए भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर और जैसीनगर में बड़े महादेव का मंदिर। MP के टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि पर प्रसिद्ध धाम कुंडेश्वर में महादेव के कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री वीरेंद्र कुमार। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा महादेव का रचाया गया था कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में शिव मंदिर, जहाँ एक ही जलहरी में स्थापित है 108 शिवलिंग, जिसका हुआ भव्य अभिषेक पूजन अर्चन। देखिए जहाँ तक राहतगढ़ की बात है, तो राहतगढ़ का किला इतिहास में कई तरह से प्रसिद्ध है। सबसे पहला अगर इसका निर्माण की बात करें तो हमें इसके दो एविडेंस मिलते हैं। सागर जिले के गोपालगंज में शिव मंदिर में निकाली गई भोले बाबा की बारात, शिव पार्वती का रचाया गया विवाह, भोलेनाथ के गानों पर भक्त
जमकर झूमते हुए आए नजर, तो वहीं भोले बाबा और पार्वती माता का पूरे रीति रिवाज से विवाह किया गया संपन्न। सागर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के ग्राम खैचरा दोगाहा में प्रसिद्ध बाबा महाकाल की शाही बारात धूमधाम से निकाली गई। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल की शाही बारात प्रथम वर्ष निकली है, जिसका भव्य आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और उज्जैन की तर्ज पर बने महाकाल की भव्य तरीके से गाजे बाजे के साथ निकाली गई बारात। एमपी के शिवपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक लड़के समेत 4 लोगों की हुई मौत, जबकि 20 लोग घायल अस्पताल में भर्ती। हादसा बीरपुर थाना क्षेत्र के गौरव श्यामपुर हाईवे पर हुआ। सागर जिले के राहतगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नगर के बनैनी घाट शिवालय से बाबा विश्वनाथ की बारात रवाना हुई, जो पुराना थाना मंडी से विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई शिव मंदिर पहुंची, जहां माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न किया गया। हजारों की संख्या में बारात के साथ भोले के भक्त डीजे की धुनों पर जमकर नाचते हुए आए नजर। भिंड जिले के महगांव क्षेत्र में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने शिवरात्रि के दिन खोला विकास का पिटारा, आधा दर्जन से अधिक सड़कों का किया भूमि पूजन, जिसकी लागत 30 करोड़ से अधिक। विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, खासतौर से यातायात की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ। आज जिस सड़क का भूमि पूजन हुआ है, ये इमोसा रायपुरा और बालूपुरा को जोड़ने वाला रोड है, इसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ 80 लाख है। और इससे जो नौनाड़ से और भिंड से जो इस तरफ जाने वाले लोग हैं, बालूपुरा असनपुरा बल्कि कचनाव तक के, उनके लिए यातायात में कम से कम 10 किलोमीटर की कमी आएगी और यातायात की दृष्टि से बेहद सुविधाजनक है। दूसरा जो रोड है, ये परासवासा रोड से लेके असनपुरा होते हुए पचेरा रोड तक, ये लगभग 10 करोड़ रुपये।